हेलो गाइस, कैसे आप? जोगिंदर पाल जल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज की वीडियो जो है उसमें मैं रहने वाला है, लाइट थोड़ी बढ़ा लेते हैं, लाइट के बारे में समस्या रहने वाली है। तो हम देखते हैं, जैसा कि थंबनेल से मालूम पड़ रहा है, हेक्टेयर से बीघे। हेक्टेयर से बीघे कैसे बनाए जाते हैं? तो कुछ हेक्टेयर हमारे पास है, जैसे 2.357 हेक्टेयर, दूसरे 1.2354 0.00 0.00680 हेक्टेयर और 0.0038 हेक्टेयर। तो ये हमारे पास कुछ हेक्टेयर हैं। तो हेक्टेयर को अब हम कैसे निकालेंगे? तो एक हेक्टेयर बराबर, यहाँ देखते हैं, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको 10,000 से गुणा कर लेंगे। तो जैसे हमारे पास हेक्टेयर है 2.257 × 10,000 बराबर ये आ जाएगा 23,570 मीटर स्क्वायर। अब 1.2354 गुणा 10,000 बराबर यह आ जाएगा 12,354 मीटर स्क्वायर। तीसरे हमारे पास है 0.00680 गुणा 10,000 बराबर यह जाएगा 680 मीटर स्क्वायर और 0.0038 गुणा बराबर 38 मीटर और यह है 0.0001 गुणा 10,000 बराबर 1 मीटर मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहला है 23,570 मीटर, इससे हमें बीघे बनाने हैं। तो हम करेंगे 23,570 तकसीम 683.33 बराबर ये हमारे पास बीघे आ जाएंगे 34 बीघे 10 बीसवे। अब हमारे पास है 12,354 मीटर, तो 12,354 तकसीम 683.33 ये 683.33 मीटर स्क्वायर एक
या 1 बीघा, 1 बीघा बराबर 683.33 मीटर स्क्वायर होता है। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास 23,570 मीटर को हमने 683.33 मीटर से भागे 34 बीघे 10/20 आ गया। 12,354 मीटर को 683.33 मीटर से भाग दिया तो बराबर कितना आया, 18 बीघे, 18 बीघे आ गया। अब जब 680 मीटर को हमने 683.33 से गया तो ये हो गया 1 बीघा, और 38 मीटर को जब हम भाग देंगे 683.33 से बराबर आ जाएगा 1/20 और 4 मीटर शेष बचेंगे, और 1 मीटर बराबर 1 मीटर ही होता है। तो ये इस प्रकार से हम समझ गए कि ये कैसे हेक्टेयर से कैसे बीघा बनाया जाता है, कैसे मीटर बनाए जाते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में समझाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात